सुप्रभात बच्चों, आपने आ से लेकर के ऊ तक की मात्राएं सीख ली हैं, तो आज हम ऊ के बाद आने वाली ए की मात्रा सीखेंगे। तो बच्चों, ये है ए की मात्रा। बच्चों, जैसे कि हम लोग ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जोड़कर लिखते हैं, ठीक है? तो पहले वर्ण में जोड़ते हैं, तो वर्ण जैसे ले लिया प। अब आपने देखा कि प के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये आधा है और ये ए। ए क्या है? हमारा स्वर है। तो जब स्वर हमारे व्यंजन में जुड़ जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो पूरा कैसे लिखेंगे हम लोग? प को पूरा लिखेंगे इस तरीके से प, और जब ए जुड़ गया तो ये ले लेगा मात्रा का रूप, तो ये हो जाएगा ए की मात्रा। तो ये देखिए, और यहाँ का हलंत हट गया क्योंकि ये पूरा हो गया, तो क्या बन गया? पे। इसी तरीके से दो अक्षर वाला बनाते हैं, ब लिया, बाकी नीचे हलंत है ना, इसका मतलब ये आधा है और जोड़ने का निशान, उसके बाद ए, ए हमारा स्वर, उसके बाद र, र के नीचे हलंत क्योंकि ये भी आधा है, और अ, र में जो है अ जो है छुपा होता है, जब हम तोड़ कर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? ब पे ए की मात्रा लग जाएगी, बे और र। जब हम लिख देंगे पूरा तो हलंत हट जाता है क्योंकि स्वर जो होता है वो व्यंजन में जुड़ जाता है और व्यंजन पूरा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा बे। अब इसी तरीके से तीन अक्षर वाला बनाते हैं, जब के नीचे हलंत लगाया, हलंत का मतलब हो गया आधा, और अ है ना, यहाँ पे लिखा अ, उसके बाद जोड़ने का निशान ल, ल के नीचे भी हलंत लगाया, ये आधा है, फिर ए, जोड़ने का निशान ब, ब के नीचे भी हलंत लगेगा, और ई, हलंत का मतलब होता है आधा, लेकिन जब स्वर व्यंजन में जुड़ जाता है तो वो पूरा हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? ज, ज, ल, ए की मात्रा हो जाएगी ए, और ब में ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा? बी। तो बन जाएगा जलेबी, ये हो जाएगा पूरा शब्द और हलंत हट जाएगा, ला पर ए की मात्रा आ जाएगी जलेबी। ये बच्चों इस तरीके से बन गया शब्द हमारा जलेबी। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो ये वर्ण पूरा हो गया और हलंत हट गया, तो बन गया जलेबी। अब इसी तरीके से चार अक्षर वाला बनाते हैं, जैसे कि र, र के नीचे हलंत, जोड़ने का निशान ए, क्योंकि ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, जोड़ने का निशान ल, ल के बाद अ, जोड़ने का निशान ग, और आपने जोड़ने का निशान लगाया, इसके बाद ये है आ, है ना, पूरा आ, इसमें आप हलंत नहीं लगेगा क्योंकि ये स्वर है, और उसके बाद क्या है र और ई। चलिए जोड़ के बनाते हैं, जैसे र में ए जोड़ा, क्या बना? रे, ल, ल, ग में आ जोड़ा गा और री, क्या बना? रेल गाड़ी, क्या बना? रेल गाड़ी। और बच्चों डर लीजिए, बिंदी जरूर लगाएंगे, अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन बिंदी का ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा शब्द हमारा पूरा रेलगाड़ी। तो आज हमने क्या सीखा? ए की मात्रा,